ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट एपिसोड में माइकल, फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर भैया तीनों ही लोग जेल में थे, लेकिन लेस्टर की हेल्प लेकर ये तीनों भैया वहां से एस्केप कर गए थे एक सीक्रेट टनल के थ्रू। अब जब हम सीक्रेट टनल में गए थे ना, तो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसके अंदर हमारी तीनों ही लोग की फुटेज चली गई होगी। अब यहां पर मैं कंफर्म नहीं हूं कि पुलिस वालों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उनके पास चली गई होगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वहां पर ऑन पड़ा था। तो भाई जेल से निकलने के बाद अभी ना हम एकदम सीक्रेट जगह में आकर रह रहे हैं कुछ 7-8 दिन के लिए, क्योंकि यहां पर ना थोड़ा सा मामला जब ठंडा पड़ेगा तो ही हम यहां से निकलेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे ना, तो भैया पुलिस वाले भी ना हमें ढूंढ तो रहे होंगे, क्योंकि यार हमें एक बहुत ही बड़े जुर्म में अंदर करा था। बट यहां पर अभी आप ये लोकेशन देख पा रहे हो, मतलब कि एकदम ही अलग ही जगह पर लाकर हमें लेस्टर ने छोड़ दिया था। और फटाफट ये जो सामने आप घर देख पा रहे हो ना, तो बड़ा सा वेयर हाउस है। अभी तो कुछ टाइम के लिए हम इस वेयर हाउस के अंदर ही रह रहे हैं। तो अभी कल तो रात को आराम से सो गए थे, अभी फिलहाल यहां पर सुबह हो चुकी है। तो चलो यार आगे की तरफ चलते हैं। और यहां पर ना कुछ मतलब एकदम छोटा सा गांव है, मतलब 5-6 लोग रहते हैं, और मतलब ये गरीब गरीब से लोग हैं, कोई ज्यादा अमीर नहीं है यहाँ पर। लेकिन भाई जितने भी बंदे हैं ना यहाँ पर ना, एक बंदा मेरे को ऐसा लगता है ना जो बहुत अमीर रहता है, क्योंकि मैंने देखा था ना रात में एक बहुत महंगी गाड़ी भी आई थी यहाँ पर। और ये देखो प्लेन भी पता नहीं किसी का खड़ा हुआ है, और पता नहीं किसका प्लेन है यहाँ पर, बोट भी खड़ी हुई आगे, पता नहीं किसकी है सब। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे तरफ चलते। और ये दोनों भी जो अपने पीछे आ रहे हैं, मतलब यार अभी कुछ पता नहीं है क्या करना है। 7 दिनों तक यहाँ हम सेफ है कि नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को ना मैंने देखो भैया बहुत ज्यादा ढूंढने में लगे हुए हैं। तो गाइस ये जो आप सामने गाड़ी देख पा रहे हो ना, ये वाली गाड़ी हमें लेस्टर ने दिया, क्योंकि उसने कहा कि ना तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है अगर पुलिस वगैरह वाले यहां पर तुम्हें रेड मारे ना, तो तुम लोग सीधा इस वाले घर से बाहर निकलना। तो अभी हम इस घर के अंदर रह रहे हैं ना, तो सीधा घर से बाहर निकलना और गाड़ी में बैठ के जितनी जल्दी हो सके भाग जाना और मुझे कॉल कर देना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार सही है, यहां पर हम अपना गाड़ी में बैठ के निकल लेंगे। और ये गाड़ी ना बहुत बढ़िया है, अभी वाली गाड़ी ना लेस्टर ने कुछ दिन पहले ही ली थी। तो अभी फटाफट इस गाड़ी में बैठ के यहां से निकलते हैं। ओए ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये इन्होंने झुंड क्यों लगा रखा है, एक मिनट रुक जाओ बे। इनको भी हम वैसे हम खाना खाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने झुंड किस बात का लगा रखा है। तो कि गाइस ये बंदा ने यहाँ पर काफी देर से बैठ के रो रहा था, और आसपास ना काफी भीड़ भी लगी हुई थी। तो मैंने इस बंदे से पूछा कि भैया तू पहले मुझे ये बता तू रो क्यों रहा है। तो यहाँ पर यार इस बंदे के साथ ना बहुत ही गलत सीन हुआ, और उसने सारा का सारा सीन जो है मुझे बता दिया और हेल्प के लिए बोला है। अब यहाँ पर सीन हुआ क्या है कि जो इसके फादर थे ना, वो टेररिस्ट के लिए काम करते थे, यानी कि आतंकवादियों के लिए काम करते थे। अब यहाँ पर आतंकवादियों ने इसके फादर को बोला कि भैया तुम्हें जाना है डायमंड कैसीनो, जो कि यार लॉस सैंटोस के बाहर है, और भाई वो इतना महंगा है ना, मतलब एकदम करोड़ों का, उसके अंदर काफी सारे बंदे आते हैं, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग और सेलिब्रिटीज भी आते हैं। तो टेररिस्ट ने इसके फादर को ये काम दिया था कि वहां पर जाओ और बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर दो। अब यार वो जो चीज है ना, इसके फादर करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रिस्क है, और अगर पुलिस वालों ने देख लिया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, तो भैया सीधा मार देंगे या फिर बहुत ही तगड़ी जेल होगी। और इनके घर में ना कमाने वाला एक ही बंदा जो कि इसके फादर है, अगर इसके फादर फंस गए तो ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मतलब यार बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो यहां पर इसने मेरे को बोला कुछ भी करके बचा लो, और जो इसकी फैमिली है ना उनको भी किडनैप कर लिया था, और उन पे ना प्रेशर डाल लेते ताकि जो इनके फादर है वो जल्दी जल्दी काम करें, इनके ऊपर गोली वोली दिखाते हैं। तो ये बंदा वहां से बच के जाए तैसे आ गया, लेकिन इसकी जो सिस्टर है और जो इसकी मदर है उन लोग को वहां पर भी अभी धरा हुआ है। और अगर वो इसका फादर अगर वो काम नहीं करेगा, यानी कि वो डायमंड कैसीनो का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेगा, तो इसकी मम्मी को, इसके फादर को और इसकी सिस्टर को, तीनों को मार देंगे। तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी यहां पर ना हमें इस जगह से बाहर तो नहीं निकलना था, बट यार इस बंदे का दुख देख के मुझसे सहा नहीं जा रहा, तो यार इसकी तो हेल्प करनी पड़ेगी यार, मतलब इसके साथ वरना बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। हमारे साथ तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, पुलिस वुलिस को देख लेंगे, बट यार इसकी हेल्प करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ना हमें कपड़े वपड़े बदलने पड़ेंगे, वरना अगर किसी भी पुलिस वाले ने देख लिया ना, तो सबसे पहले बिना किसी बात की धर के ले जाएगा। और अगर यहां से बाहर निकलेंगे ना, तो हम मास्क लगा के निकलेंगे। अब वो कोरोना वाला मास्क नहीं कह रहा है, मतलब कि एक फेस मास्क जिससे हमारा मुंह ढक जाए पूरा का पूरा, और कोई बंदा हमें पहचान ना पाए। और उसने हमें एक बात और बताई है, जो लोग इसके फादर को पकड़ कर ले गए हैं भाई, वो लोग पुलिस की ड्रेस पहनकर घूमते हैं, यानी कि वो ना एक टाइप से फेक पुलिस, फेक फौजी बन रखे हैं, ताकि अगर कोई बंदा भी वहां से आसपास से जाए ना, तो उसे लगे पुलिस है और वो डर के यहां से चले जाए। लेकिन अभी इसने हमें बता दिया, तो अभी हम सारा प्लान समझ चुके हैं। तो चल भैया तू भी हमारे साथ ही आ जा। तो ओके गाइस, अभी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कपड़े की शॉप पे, ताकि हम वहां से आकर ये जो जेल वाली ड्रेस पहन रखे ना इसको हटा लें। और दूसरी चीज बता दूं, जो मैंने $10 मिलियन चुराए थे ना, वो मेरे पास नहीं है, सारा का सारा पैसा ना बैंक में था। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये हुई है कि ना जो ATM वगैरह था सब कुछ पुलिस ने रख लिया है, और आपको याद होगा वहां से हमने एक बैग भी चुराया था, तो पुलिस वालों ने तो भैया अरेस्ट कर लिया था, वो जो बैग है वो भी पुलिस वालों के पास है। तो अभी जो है लेस्टर से कल मैंने $500 उधार ले लेते, और ट्रैवर वगैरह ने भी कुछ कुछ पैसे ले लेते। तो फटाफट अभी चलते पहले कपड़े की दुकान पे, कुछ सस्ते वस्ते से कपड़े खरीदते हैं, और फिर चलेंगे इस बंदे की पहले फैमिली को बचाने, फिर चलेंगे इसके फादर के पास, क्योंकि फैमिली को इसने कहा कि यार वहां पर ना 5-6 गुंडे जो कि उनके पास गन है, तो वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे बचाना ज्यादा जरूरी है, वो लोग इसकी फैमिली को कभी मार सकते हैं। और बाद में चलेंगे इसके फादर को बचाने। तो ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं ना भाई, गाड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट यार अभी हम एक सीरियस काम कर रहे हैं, तो गाड़ी पे कम ध्यान देंगे।
तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे किसी कपड़े की शॉप पे, वहां से पहले हम कपड़े बदलेंगे। और मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि ना हम वही वाले कपड़े पहन लें जो कि यार मतलब जो चोर उचक्के नहीं होते वैसे कपड़े हम खरीदेंगे और वैसे ही कपड़े पहनेंगे, ताकि अगर हम उनके बीच में घुस जाए ना तो उनको शक कम होगा। अगर वहीं पर हम महंगे कपड़े पहनकर जाएंगे ना तो भाई उन्हें शक होगा और वो हमें सबसे पहले मारेंगे। अब यार गन भी खरीदनी पड़ेगी, यार फाइट करने जा रहे हैं, गन तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं, कपड़े खरीदेंगे, फिर गन खरीदेंगे, फिर थोड़ा बहुत ना कुछ खाए पिएंगे, फिर चलेंगे इन बंदों को मारने। तो ओके गाइस, फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं कपड़े वाली शॉप पर। अब जल्दी जाकर कपड़े खरीदेंगे, और पैसे ना ज्यादा नहीं है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे, फिर उसके बाद गन वगैरह भी खरीदनी है। तो शॉप जो है फिलहाल आ चुकी है, तो यहाँ पर ओके यही वाली शॉप है, और यहाँ पर अभी सेल वगैरह भी चल रही है। तो चलो यार सेल चल रही है, हमें सस्ते में मिल जाएगा। अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, क्योंकि यार जल्दी से कपड़े खरीद के बाहर ही निकलना है, तो मैं पार्किंग में नहीं जाऊँगा इतनी चीज के लिए। और शॉप जो है अपनी सामने भी है, फटाफट चलते हैं। शर्ट की सेल चल रही है भाई यहाँ पर मस्त एकदम, देखते हैं यार कौन सा कपड़ा मिलता है, कितने का मिलता है। तो ये सब भी आ रहे हैं, इनको भी कपड़े दिलाने पड़ेंगे, बाकी तो इन पे पैसा ये लोग अपना ले ही लेंगे। तो ओके गाइस, ये लोग भी अपना आ गए, तो भैया देख लो जिसको जोन जोन से कपड़े लेने हैं ले लो। यहाँ पर ट्रेवर फ्रैंकलिन अपना देखेंगे, मैं अपना देख लेता हूँ मुझे कौन से कपड़े लेने चाहिए। यहाँ पर वैसे काफी सारे निक्कर वगैरह है, ये तो मेरे को नहीं चाहिए, तो चलो यार मैं अपनी पसंद से लेता हूँ। यहाँ पर पोलो की शर्ट्स हैं कुछ, ओके ये ठीक लग रही है थोड़ी। तो यहाँ पर ये वाली मेरे को नॉर्मल सी एक शर्ट लग रही है, तो अभी हम एकदम नॉर्मल पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। चलो ये वाली ड्रेस तगड़ी है, ये दोनों भी खरीद लेते हैं। तो भाई अभी हम सब ने तो कपड़े खरीद लिए, और ये देखो मतलब कि सबसे महंगी शॉपिंग इसने करी है ये। मतलब यार फ्रैंकलिन तो पूरा ऐसे जा रहा है जैसे शादी वादी में जा रहा हो कहीं यहाँ पर। अब अपना ट्रैवर तो भैया सस्ते में ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इसको अपना भैया बियर वियर का भी जुगाड़ करना होता है, तो यहाँ पर तो इसने सस्ती सी शॉपिंग कर ली है। तो चलो यार अभी फटाफट चलते हैं इसके घर पर, अभी मजाक नहीं करना, मैं पता नहीं मजाक के मूड में क्यों आता हूँ। अब भाई उस बंदे की फैमिली पूरी की पूरी किडनैप हो रखी है एक टाइप से, मतलब किडनैप तो नहीं है, एक टाइप से उन्होंने टॉर्चर करा जा रहा है, ताकि जो इनके फादर है वो जल्दी जल्दी बम लगाकर उसे डिस्ट्रॉय करे। तो अभी यार ये लोग आकर हमारी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब ये जो बंदा अपने घर का रास्ता बताएगा वहां पर चलकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा एम्यूनेशन की शॉप पे, और ना कुछ खाने पीने भी जाना है, काफी भूख लग रही है। अब बिना खाए पिए तो भैया कोई काम होने नहीं वाला, तो सबसे पहले चलेंगे कहीं खाने पीने, और फिर गन खरीदेंगे, और फिर चलेंगे इसके घर पर इसकी फैमिली को बचाने। तो भाई वैसे एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो आप राइट में देख पा रहे हो ना, ये वही जेल है जहां पर हम कल तक थे। अब मुझे यहां पर इस रोड पे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पुलिस ना कभी भी आ सकते हैं भाई, यहां पर राउंड लगाते रहती है, तो मैं इसीलिए फुल स्पीड में यहां से निकाल रहा हूं। अभी जो स्पीड है ना इस गाड़ी की एकदम मैक्स स्पीड है, फटाफट पहले यहां से निकल लेते हैं वरना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखेंगे एम्यूनेशन की शॉप जो है कहाँ पर है, अभी मेरे को गूगल मैप्स खोलना पड़ेगा उसके लिए। तो भैया मेरे को और फ्रैंकलिन को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन ये जो ट्रैवर है ना ये कह रहा है भैया अगर तुम फाइट करने ले जा रहे हो तो उससे पहले मैं बियर पीऊँगा। तो यार इसको ले चल के यार बियर तो पिलानी पड़ेगी, वरना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भाई ये बंदा सच्ची में ना बहुत ज़्यादा महान कलाकार है, तो भी इसलिए हम यहाँ पर आए हैं फिलहाल एक बियर शॉप पर। यहाँ पर जो ट्रैवर जल्दी से अपना बियर वियर पिएगा, जो भी इसे पीना अपना करेगा। तो यहाँ पर फटाफट अपनी गाड़ी जो है यहीं पर मैं पार्क कर देता हूँ, और अंदर चलते हैं फटाफट से। मतलब यार ट्रैवर एकदम ही घधैया आदमी है, चल भैया आ जा जो पीना है तेरे को पी ले। और ये वाली जो शॉप है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और इसमें हमेशा भीड़ रहती है। अब यहाँ पर भीड़ तो रहेगी भैया, शॉप ही इतनी ज़्यादा तगड़ी है, तो यहाँ पर सारे बंदे अपना बैठ बूट के पी रहे। अब ट्रैवर भी अपना पी लेगा थोड़ी सी। अबे भाई यहाँ तो यार पंगा हो गया, मतलब कि यार ये सब ने ड्राइवर से, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी साल हो बेटा, मैं बता रहा हूँ निकलने यहाँ से, मार साले को। अबे भाई साहब हम लोग यहाँ पर शॉप में हैं और ये लोग सीधा हमें मारना शुरू कर दिए। बट सही है यहाँ पर भाई बहुत ही बुरी तरह मारा, मतलब कि पता नहीं किस बात पे मार रहे थे लोग। चलो सही है, तीन चार लोग थे अपना मार कूट के भाग गए, लेकिन ड्राइवर के दो चाटे पड़ गए पता नहीं क्यों, बट ड्राइवर ने भी तीन बंदों को लुढ़का दिया। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इसकी दुश्मनी चलती है भाई, जब तेरे को जो पीना है पी ले यार, शक्ल क्या देख रहा है। तो ओके अभी इस महारथी को देखो भाई, बियर पी लिया, उसके बाद भैया सिगरेट भी पिएगा, मतलब कि यार पूरा अपना सेटअप वेटअप करके चलेगा। तो भैया आज अगर इसने कोई काम नहीं कर रहा ना ढंग से वहां पर, अगर ये बंदे से पिटा तो मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे से बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए। और देखो मेरा घूर कैसे रहा है। तो चलो भैया इसका जो है सारा का सारा सेटअप हो गया, और भाई अब मेरे को समझ आया, पता है ये जो दुकान वाले हैं ना ये सारे के सारे बंदे ना ट्रैवर से डरते हैं। अभी जो आप गांव देख पा रहे हो ना ये ट्रैवर का गांव है, और यहाँ पर ना इसकी इतनी ज़्यादा दुश्मनी है, मतलब हर बंदे से इसकी लड़ाई है। अब बंदे ना इससे डरते भी हैं और इससे चिढ़ते भी हैं, मतलब सब कुछ है। लेकिन भैया इसको ना हमेशा पीठ पीछे से वार करते हैं, क्योंकि भाई ट्रैवर बहुत आरामी बंदा है, किसी से भी ये तमीज़ से बात नहीं करता, इसीलिए भैया सब लोग इससे चिढ़ते हैं। अब फटाफट यहाँ पर इसने अपना बियर वियर पी लिया, अब उसके बाद हम जाएंगे कि ना किसी शॉप पर जाएंगे जहाँ से हम कुछ खा पी सकें, क्योंकि यार यहाँ पर इसका तो जुगाड़ हो गया है, लेकिन यार अभी फ्रैंकलिन और मेरा जुगाड़ नहीं है, तो हम अपना कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ सॉलिड खाएंगे, बर्गर वगैरह। वैसे यार ट्रैवर जिस गांव में रहता ना, ये गांव यार बहुत अच्छा है, मतलब कि रोड एकदम खाली रहते हैं। ओहो सामने से ट्रेन भी आ गई यार, अबे ये तो बंद ही नहीं हुए बैरक्स। ओके तो कोई नहीं यार, ट्रेन जाने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब कि यार इसको भी अभी आना था, फालतू में टाइम वेस्ट करने।
ओके तो चलो यार, अपना ट्रेन तो जा चुकी है। और यार मेरे को ये नहीं समझ आया कि जो फाटक थी बंद क्यों नहीं हुए। तो यहाँ से फिलहाल अभी हमें राइट लेना है। और पता सबसे अच्छी बात क्या है, ये ना ड्राइवर का गाँव है और यहाँ पर ना जितने भी बंदे हैं ना ड्राइवर से डरते हैं, और जो भी सामान वामान लेना होता है ना काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ड्राइवर ने फुल एकदम चोड़ मचा रखी अपने गाँव में। तो अभी हमें आगे चलना है, कुछ खा पी लेते हैं फ्रैंकलिन और मैं, और यहाँ पर इस बंदे को भी कुछ खिला देंगे अगर इसे भूख लगी होगी तो। ओके यहाँ पर आगे 24/7 की शॉप। अपनी गाड़ी हम कहाँ पर पार्क करें, मतलब इन्होंने कोई जगह बनाई नहीं है। ओके तो वैसे ये 24/7 की शॉप है ना, मेरे को काफी पुरानी सी लग रही है, और मुझे लग रहा है ना यहाँ थोड़ा पुराना पुराना सामान मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, भूख लगी होती है ना तो सारा घटिया माल भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जल्दी से यार बर्गर पिज्जा वगैरह मिल जाए तो देखते हैं। वैसे यहाँ पर फ्रूट्स हैं कुछ, बनाना वगैरह, लेकिन यार हमें तो यार कुछ ढंग का सामान चाहिए। तो यार अंकल जी एक काम करो, आप कॉफी दे दो जिससे थोड़ा बहुत पेट वेट एकदम मस्त हो जाए। तो भाई मैंने तो यहाँ पर अपना कॉफी लिया और फ्रैंकलिन ने अपना चॉकलेट शेक लिया, और ये जो पीछे बंदा है इसको भी कॉफी दिला दी। लेकिन ये ट्रैवर को देखो तुम, मतलब एक सिगरेट इसने वहाँ पी, अब यहाँ पर आकर एक और खरीद ली। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब यार एकदम ढंग से खाना पीना हो जाए, अब यहाँ पर से अपना मिशन स्टार्ट होगा। बट सबसे पहले जाकर हमें एक गन खरीदनी है। तो भैया अभी हमने ढंग से अपना खान पान तो कर लिया, और ये ना मेरा इतना ज़्यादा शेक पीने का मन था जो कोला लगा हुआ है, लेकिन यार इस बंदे ने पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। भाई सीन क्या हुआ ना, जो चीज़ लॉस सैंटोस में $20 की मिलती है इतने बड़े बड़े शोरूम में मॉल में, इस बंदे ने भैया मेरे को वो चीज़ दिया $50 में। मतलब कि इतनी घटिया सी दुकान है, कोई बंदा आता जाता है नहीं, और इतनी महंगी चीज़ें बेच रहा है ना, मन तो कर रहा था बहुत ज़्यादा मारूं। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट चलते हैं पहले एम्यूनेशन की शॉप पे, वहाँ से चल के कोई गन वगैरह खरीदेंगे और फिर चलेंगे इसकी फैमिली को बचाने। तो भैया जल्दी से आओ गाड़ी में बैठो, इतना फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से अभी गन खरीदने। और मेरे को लग रहा है ना कि यार ज़्यादा तगड़ी गन आ भी नहीं पाई, मतलब इतना पैसा बचा ही नहीं भाई, कपड़े खरीद ले गन, मतलब कि यार लेस्टर बहुत कम पैसा देकर गया था बेचारा, वो भी क्या करे, उसका भी जितना पैसा था ना यार पुलिस छीन कर ले गई है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट चलते हैं। तो ये है एम्यूनेशन की शॉप, अभी फटाफट चलते हैं। ड्राइवर अपनी शक्ल दिखा देगा शायद, क्या पता वो फ्री में ही दे दे। ओके तो यहाँ पर अभी देखते हैं कौन कौन सी गन हमें खरीदनी चाहिए। तो ये है पिस्टल, ये है एक और पिस्टल है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है भाई, $262 के, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $350 है। मतलब कि यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ जाएगी, हम एक ही पिस्टल खरीद सकते हैं यार, इतना कम पैसा है हमारे पास भाई, ये तो दिक्कत है। चलो कोई नहीं, एक पिस्टल ही खरीदते हैं सबसे पहले। अब यार इन लोग के पास ना पैसा बचा भी नहीं, क्योंकि ड्राइवर ने अपना सारा का सारा बियर में लगा दिया, और भैया फ्रैंकलिन ने कपड़ों में लगा दिया। अब मेरे पास बचे थे थोड़े से पैसे, तो मैंने एक पिस्टल यहाँ पर खरीद लिया, और भाई आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब थोड़ा बहुत ना पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा यार, बंदो बंदों से छीनने पड़ेंगे पैसे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखते हैं यार क्या करना पड़ेगा। और आकर ना पिस्टल ले आना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब यार कम से कम ना हम तीनों पे पिस्टल तो होने चाहिए, चौथे बंदे पे हो चाहे ना हो, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ, क्या ही कर लेगा। तो भी एक काम करते हैं ना, ओके तो हमें उस बंदे ने लूटा है ना, उस दुकानदार ने हमें से ज्यादा पैसे लिए ना, रुक जाओ अब मैं इसके ऐसे की तैसे करूंगा। $50 का माल इसने हमें इतना महंगा बेचा ना, मैं इसके ऐसे की तैसे करता हूँ, फटाफट इसकी शॉप पे चलते हैं। रुक जा साले, तूने हमसे पंगे लिए कैसे, उतर उतर, मतलब हमें लूटेगा तू, हम दुनिया को लूटते हैं, 10-10 मिलियन की डॉलर की चोरी करते हैं, तू हमें लूटेगा, इधर आ, बाहर निकल साले, पैसा निकाल सारा का सारा पैसा अभी दे, जितना भी पैसा तेरे पास है ना सारा का सारा निकाल, जल्दी जल्दी, पासवर्ड वासवर्ड नहीं, जल्दी पैसा बाहर कर, अभी अभी पासवर्ड गलत डाल रहे। ओके जल्दी जल्दी थैली में भर सारा का सारा, भर फटाफट फटाफट, कोई देर नहीं चाहिए। पुलिस को तो बिल्कुल भी इन्फॉर्म मत करियो जब हम यहाँ से निकलेंगे, पीठ पीछे। ओके मैं ले रहा हूँ। ओए पुलिस को, एक सेकंड, पुलिस को किसने बुलाया? चलो 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 भाई, $1000 का जुगाड़ हो गया, फटाफट गाड़ी में बैठो। पुलिस फिलहाल अभी हमें पकड़ तो नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही स्टार की पुलिस, फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, बाकी पुलिस वाले आ रहे हैं, हम पतली सी गली में निकल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अभी तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए एकदम पीछे की तरफ ले आऊँ, और ये ना एकदम बंजर गाँव है, यहाँ पर इस टाइप की छोटी मोटी चोरी ना चलते रहती है, तो पुलिस ना इस गाँव पर इतना ध्यान नहीं देती, कोई बंदा मरे कटे पुलिस वालों को ज़्यादा मतलब नहीं है। तो देखो मतलब पुलिस पीछे पड़ी भी थी और हट भी गई बेचारे के, हमने पैसे आराम से लूट लिए, नहीं भाई साहब हमें लूटने आया था वो, हमने उसको ही लूट लिया। ओके तो यहाँ पर अभी वापस से चलते हैं फटाफट एम्यूनेशन की शॉप पे जल्दी से, वहाँ से चल के भैया सारी की सारी पिस्टल जो अच्छी अच्छी खरीद लेते, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक आर्मर भी खरीद लूँ, जो कि यार अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और जितनी भी गोलियाँ होंगी ना वो मेरे जल्दी लगेगी नहीं। तो फटाफट चलते हैं एम्यूनेशन की शॉप पे। ये पुलिस यार आगे आकर रुक गई है, पता नहीं किसको पकड़ने आई है। अभी भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके तो पुलिस ना शायद से इस कार वाले को पकड़ना चाहती है। ओके मैं डर गया था कि भैया मेरे को तो नहीं पकड़ने आए। ओके तो भाई मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा ना कि पुलिस वाले मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, इनको मेरे बारे में पता चल गया है। बट अच्छी बात है वो किसी और को पकड़ने आए थे। तो मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर यार छोटे मोटे यहाँ पर कांड चलते ही रहते हैं। तो कि गाइस अभी यहाँ पर मैंने इन तीनों को फटाफट से पिस्टल दिला दिया है। अब यहाँ पर ना मैंने तो आर्मर भी खरीद लिया, ताकि अपने को ना एकदम सेफ्टी रहे, जो भी गोली है ना थोड़ी सी कम डैमेज करे।
तो भाई अभी हम तीनों ना वहां पर चलने से पहले हम तीनों ने अपने फेस पे मास्क लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने पिस्टल वगैरह खरीद लिया है। अब जितना भी काम करना है ना, काफी खतरनाक काम करना है, और पुलिस ना कभी भी आ सकती है, क्योंकि फायरिंग वगैरह तो मेरे को लग रहा है 100% होगी। अब फटाफट चलो भाई, जल्दी से गाड़ी बैठो, अब किसी भी बात की देर नहीं करनी, सारा का सारा एकदम सीरियस काम करना है। अब यहाँ पर ना इनको मेरे को एक तो सीन नहीं समझ आता, जब भी ये लोग गाड़ी से उतरते हैं ना, गेट नहीं बंद करते पीछे वाला, पता नहीं इनकी क्या सिस्टम है। अब भाई कल को गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाएगी तो फिर हम वैसे ही बैठे रह जाएंगे। अब फटाफट चलते हैं जहाँ पर इसकी फैमिली है, अब जो काम करना है ना जल्दी से करना, उन्हें जैसे जैसे करके मानना है, और इसकी फैमिली को ना कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए भाई। तो गाइस इस बंदे का कहना है कि इसकी फैमिली को उन लोगों ने इसी गांव के अंदर किडनैप करके रखा हुआ है। यहां पर ना काफी टाइम पहले एक शॉप हुआ करती थी बहुत ही तगड़ी, अब वहीं पर उन लोगों ने पहले अटैक करा था और उस शॉप को जब्त कर लिया। अब फटाफट चलकर देखते हैं वहां पर ये लोग क्या करते हैं। तो ये कह रहा था वहां पर ना अपना बियर वियर पीते हैं, और मेरी फैमिली को भी वहीं पर ले गए हैं, और उनको पिस्टल विस्टल से मारने की धमकी दे रहे हैं ताकि जो इसके फादर है जल्दी से बॉम्ब लगाए। तो ये वो शॉप है, फटाफट पहले ना शॉप के अंदर चलकर देखते हैं, अजीब सी शॉप है। हाँ लग रहा है भाई यहाँ पर अटैक वटैक हुआ, मतलब आप देख पा रहे हो छत वत ना एकदम टेढ़ी हो चुके हैं, जैसे कि कोई बॉम्ब वॉम्ब फूटा हो। अब यहाँ पर ना हमने मास्क वगैरह पहना है तो शायद किसी को शक ना हो हमारे ऊपर, और यहाँ पर ना आगे काफी सारे बंदे भी हैं। तो भाई ये लोग मेरे को लग रहा है कुछ तो करेंगे, वो लोग अपना बियर पी रहे हैं, और मेरे को लग रहा है ना वो लोग उन्हीं की टीम के हैं। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास पिस्टल है, डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं अपनी पिस्टल निकाल लेता हूँ, तुम लोग भी भाई अपनी पिस्टल बाहर कर लो। ओके, तो इन लोगों ने भी अपनी पिस्टल जो है बाहर कर लिया, और ये लोग बेटा बदतमीजी नहीं कर रही, निकल लो यहाँ से, और पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर एकदम शो, ओ भाई साहब ड्राइवर भाई देख तेरे मजे आ गए, मतलब आप देख पा रहे हो कितनी सारी बियर के बोटल्स हैं यहाँ पर। ये लोग भैया ये सारी की सारी बियर ना इन्हीं लोग की है, अंदर चलकर देखते हैं। और ये कौन बैठा, ओए तेरी ऐसी की तैसी, मारो साले को, मारो मारो मारो, हाँ नहीं तो हमसे छोड़ा होगा, आगे कोई है तो नहीं, आ जा आ जा, जा बेटा तेरा मैं कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, यहाँ पर कोई तो है, कोई हरकत नहीं चाहिए मेरे को, तेरी ऐसी की सारी, ओए मारो मारो मारो, ओए कौन है बे, मार 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 मार, ऊपर भी है कोई, मारो सालो, मारो मारो मारो, तुम्हारी भैंस की डांग, मार मार मार, तेरी ऐसी की तैसी, मार इसको ही, मार 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 साले के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ तुम चोड़े होगे, तुम बदमाश हो कहीं के, ओए ओए मार साले, मार मार, तेरी ऐसी की तैसी, निकल चल। और कोई है यहाँ पर, कोई बदमाश बदमाश बन रहा हो, इसकी फैमिली कहाँ है, जल्दी बाहर करो, जल्दी से बाहर करो, आ जा आ जा बेटा, तू भी आ जा, निकल निकल साले, निकल चल तेरी, निकल, हाँ नहीं तो। तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर इन सब बंदों को तो मैंने निपटा दिया, और यहाँ पर ना मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर इनकी फैमिली है कहाँ पर यार। ओके, तो यहाँ पर बाहर की तरफ में एक डोर है, तो यहाँ पर तो यार कोई भी नहीं है, आगे चलकर देखते हैं। भाई तुम तीनों भी ढूंढो, मेरे पीछे ही आओगे एकदम। ओबे एक मिनट तो मैं बता रहा हूँ बेटा, मारना मत मारना मत, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई हरकत नहीं चाहिए। अब यार दिक्कत होगी अगर मैं इनको मारूंगा तो ये लोग उन्हें मार देंगे। भाई उस पे से एम हटा ले, उस पे से एम हटा ले, मैं बता रहा हूँ तुम दोनों को, एम हटा लो उस पे से, तुम्हारी भैंस के टांग, निकल सालो, निकल निकल निकल, ओके बढ़िया खड़े हो जाओ। हाँ नहीं तो मेरे से चोड़े होंगे, मतलब कि यार ये लोग तुम्हारी भैंस के ना कम चोड़ा हो करो मेरे से। चलो भाई जिसको जो जो गन चाहिए उठा लो। फिलहाल यहाँ पर भी इनके पास कोई ज्यादा खास गन नहीं थी, तो मेरे को तो M249 मिल गई है। अब यहाँ पर तो इनके पास पिस्टल है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं, फटाफट यार मेरे पीछे पीछे आओ, अब जल्दी से तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। तो यार अभी इसकी मदर को, इसकी सिस्टर को तो मैंने यहाँ पर बचा लिया, बट यार इसके फादर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार अगर उसने वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करा तो वो लोग उसे मार देंगे। तो वहां पर भेजने से पहले मेरे को उसे बचाना पड़ेगा यार, मतलब कुछ ना कुछ तो जल्दी से करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी पता दिक्कत की बात क्या है, वहां पर एंटर होने के लिए ना हमें एक बंदे का साथ चाहिए होगा, जो कि यार इन्हीं की टीम का हो। तो यार अभी ना हमें यहाँ पर एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर यार थोड़ी बहुत ना सांस बची हो, जिसको हम उठा कर ना ये पूछ सके कि भैया तुम्हारे जो जितने बंदे हैं वो रहते कहाँ पर है, कहाँ पर इस टाइम इसके फादर को किडनैप कर रखा है। तो मुझे तो नहीं लगता यार कि कोई भी बंदा यहाँ पर जिंदा होगा इन दोनों को, तो फिलहाल मैंने एकदम एंड में गोली मारती, उठ साले उठ, बता मेरे को कहाँ पर है। अबे यार ये इसके अंदर तो जान ही नहीं बची है। फिलहाल फ्रैंकलिन ड्राइवर नीचे कोई बंदे को ढूंढने गए, क्या पता आसपास कोई मिल जाए। तो यार मेरे को तो कोई भी नजर आ रहा है इसके अंदर, बची है क्या जान, उठ उठ तेरी ऐसी की तैसी। यार इस बंदे के अंदर भी जान नहीं बची, अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जो सांस वांस ले रहा हो थोड़ी भी, तो उससे हम पूछ सकते हैं कि भैया इसके फादर को तुमने कहाँ पर रखा। ओके एक सेकंड, इस बंदे के अंदर, ओए इसकी आंख तो खुली है, एक सेकंड रुक जा, उठ उठ तेरी ऐसी की तैसी, उठ जा उठ जा उठ जा, हरकत नहीं कोई, हरकत नहीं हरकत नहीं, रुक जा रुक जा, ओए रुको रुको रुको, कोई मारेगा नहीं कोई मारेगा नहीं, पकड़ो उसे। तो हाँ बेटा अब बोल, मतलब इतनी देर से बोल नहीं रहा था, अब जैसे मैंने अपने हाथ में पिस्टल निकाली थी ना, तो इसने अपनी सारी की सारी बात बता दी कि इसके जितने भी बंदे कहाँ पर बैठे हैं, मतलब कि भैया तू बहुत ही घटिया आतंकवादी है, मतलब कि मैंने सुना है जितने भी टेररिस्ट होते हैं ना भाई अपनी लोकेशन के बारे में नहीं बताते। चल भाई अब तू खुद ही लेकर चलेगा हमें उनकी जगह पर, फटाफट आ जा। तो भाई देख अब सीधी सी बात है, अगर तूने मेरे को अपने, चुप हो पहले चुप हो मेरी सुन, अगर तूने अपने बंदों की लोकेशन नहीं बताई अभी, तो अभी के अभी हम तीनों यहीं पर मार देंगे। अभी तुम लोग मत मारना, ओके, तो नीचे इसने और बंदे बुलाएंगे, वो कौन है बे, मारो साले को जो, अबे किसका कुत्ता, हटा इसको, अच्छा जी कुत्ते भी पाल रखे हैं, रुक जा चल चल चल, अबे एक्टिंग मत करके दिखा आप हमें,
एक्टिंग मत करके दिखा, फटाफट आ जा पीछे। चलो भाई अभी यहाँ पर है, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा है कि ये मेरा कुत्ता नहीं है, खुद भी मार रहा है। तो ओके यहाँ पर अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी में, और तुम लोग भैया अपना घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर गया, पता नहीं इनका बेटा भी कहाँ पर गया, शायद से इनके लिए कुछ सामान लेने गया होगा, गाड़ी वाड़ी, तो ये लोग अपना चले जाएंगे, यहाँ पर मैंने इन्हें बोल दिया है। फटाफट गाड़ी बैठो। ओके तो ये अपना गाड़ी में आ गया, हमें लोकेशन बताने। अब यहाँ पर ना ये जैसी लोकेशन बताएगा वहीं पर इसको लगे हाथ ना मार देंगे, और चलेंगे इसके जितने भी बंदे हैं ना उन्हें मारने। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कहाँ पर चलने के लिए बोलता है, तो भैया जल्दी बताओ कहाँ जाना है। तो फिलहाल यार इस बंदे ने हमें जो है लोकेशन तो बता दिया, मुझे ना वो जगह एकदम करेक्ट नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ पर ना यार एक एयरलाइन है पुरानी सी, तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग एयरलाइन के पास अपना जो है अड्डा बनाएंगे। बट यार चलकर देखते हैं क्या सीन है। और तुम मेरी गाड़ी की स्पीड देखो भाई, मतलब कितनी तेज चला रहा हूँ, राइट से एक ट्रेन जा रही है। और फटाफट मैं वहाँ पर चलता हूँ, और जल्दी से ना इसके फादर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन लोग को पता चल गया ना कि हमने इनकी फैमिली को बचा लिया है, तो भाई वो उसके फादर को कन्फर्म अभी के अभी मार देंगे। तो भाई जल्दी से चलना पड़ेगा, कोई भी किसी भी बात की देरी नहीं करनी, और भाई मेरे को एकदम बढ़िया से ड्राइव करना पड़ेगा, और गाड़ी कहीं ठोकनी नहीं है, जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो ओके गाइस ये जो आप प्लेन देख पा रहे हो ना सामने की तरफ, ये प्लेन जो है ना मेरे को लग रहा है वहीं पर लैंड होने वाला है। उस प्लेन लाइन पे ना मैं काफी टाइम पहले एक बार ही आया था, लेकिन यार मेरे को ना वहां पर ऐसी कोई जगह दिखी नहीं थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो। भाई साहब मतलब कि यार कभी भी मोड़ लेते हैं यार, अभी तो ठुक जाते हैं अपनी गाड़ी। तो पता नहीं कहां पर जाना है, प्लेन जो है ना वहीं पर देखो लैंड होने जा रहा था, लेकिन उसने ऊपर कर लिया, वैसे लैंड हो रहा है प्लेन वहीं पर। अब देखते हैं इस जगह पर ना मैं पहले कभी आया तो नहीं हूं, तो यहां पर तो फिलहाल फार्मिंग हो रही है। बट यार आगे चलकर देखते हैं ये प्लेन वाला क्या कर रहा है, पागलपंती भाई गिराएगा क्या। तो यहाँ पर हमें जाना है, इसी जगह पर इसने हमें लोकेशन बताई है, एक मिनट रुको। तो ये जो जगह है ना मेरे को यही लग रही है जहाँ तक इसने कहा, ये जो वेयर हाउस है, ओके तो यही वेयर हाउस है। एक मिनट रुक जाओ, इसका ना भी खेल खत्म कर कर आते हैं, पहले इसको निपटाते हैं फिर यहाँ पर देखेंगे। चलो भाई तो चल बेटा जल्दी से गाड़ी से उतर, अभी के अभी इसका ना यहीं पर पहले खेल खत्म करेंगे, क्योंकि हमें लोकेशन तो मिल चुकी है। ओके बेटा रुक जा, अभी भी चूना हो रहा है, शांत हो जा, तेरी बेटा मौत आ चुकी है, रुक जा बेटा, बहुत चौड़ा हो रहा है ना, पूरे रास्ते गाली बकता हुआ था। मारो साले को, मारो, तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो, पिस्टल निकालो, भर दो इसके, मारो साले को, भरो, मारो, कुत्ता बना दो इसका, बढ़िया, मारो साले को, हमसे चौड़ा हो गए। चलो बढ़िया, गाड़ी में बैठो फटाफट, अभी जल्दी से जल्दी आओ, इसका खेल तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। मतलब कि यार पूरे रास्ते ना इसने एक दो बार हमें गाली बकी, मतलब कह रहा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी गैंग को नहीं मार पाओगे, हम लोग बहुत बड़े आतंकवादी हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म करवा देंगे। लेकिन अभी इसकी औकात तो हमने दिखा दी है। अब यहाँ पर फटाफट आगे चल कर देखते हैं, ये जो जगह है ना इसने हमें ये बताई है फाइनल। अब यहाँ पर तो यार, लेकिन यार गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं, गाड़ी अंदर कहाँ से होगी एंटर, एक मिनट रुक जाओ, पीछे से शायद एक रास्ता है, तो यहाँ से ये पिंजरा तोड़ के हम जा सकते हैं, रुक जाओ। ओके भटैक तेरी ऐसे की तैसी। ओके तो अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर अंदर की तरफ में एंटर हो चुकी है, और मेरे को ना देखना पड़ेगा आगे खड़े कौन लोग हैं। तो चलो यार अभी ना फटाफट अंदर की तरफ में चलते हैं, एकदम चुपचाप, और कोई भी ना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर फटाफट से। मैं सोच रहा हूँ ना जाए तैसे करके ना एकदम चुपचाप एंटर हो जाए, और वहाँ पर जो मेन बंदे ना उनको मार के हम यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन सामने की तरफ में पुलिस वाले ना काफ़ी सारे खड़े हैं, और वैसे पुलिस वाले नहीं है, ये नकली पुलिस है यहाँ पर, मुझे इतना तो पता चल गया है। लेकिन यार यहाँ पर हम एंटर तो हो नहीं सकते, पीछे से तो यार कोई भी रास्ता इन्होंने दे नहीं रखा है। तो भाई यहाँ पर ना मेरे को अंदर किसी के यार मतलब कि ना पिटने की आवाज़ आ रही है, कोई जैसे किसी को ना टॉर्चर किया जा रहा हो। तो मेरे को लग रहा है वो कन्फर्म उसका फादर ही होगा, या फिर और भी हो सकता है कि इन्होंने बंदे किडनैप कर रखे हो। तो भैया गन थोड़ी ना बाहर ही रख रहा है, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर बंदे तो हो सकते हैं। अब भाई क्योंकि यार जितने भी बंदे होंगे ना सारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होंगे, और सारे के सारे आतंकवादी होंगे, तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर इन्होंने भैया ट्रक व्रक लगा रखे हैं, ताकि बंदों को लगे ना कि यहाँ पर रियल मिलिट्री, और ये वाला डोर लॉक तो नहीं है ना। ओके तो ये वाला जो डोर है ना अंदर से लॉक है, वरना अपनी एंट्री जो है यहीं से हो जाती। तो अभी तो फिलहाल हम घासों से होकर आ रहे हैं, और यहाँ पर भाई साहब जितने भी बंदे हैं ना मेरे को लग रहा है सारे के सारे तगड़े होंगे, क्योंकि सभी लोग आतंकवादी हैं। ओके तो ये खड़े सामने की तरफ में, अब मैं सोच रहा हूँ कि ना एक बार ये ना चुपचाप पीछे से अपनी एंट्री हो जाए, और ये लोग हमें देख भी ना पाए। ओके तो अभी फिलहाल यहाँ से तो यार कोई भी रास्ता है ही नहीं। ओके पीछे चलो, यहाँ से नहीं एंटर होना। अबे यार आगे से जाएंगे तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। ओए इसने भाई, अच्छा हो इसने मेरे को देखा नहीं। ओके तो अगर ये देख लेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, ओए तेरी भैंस की डांग, मारो साला, कोई किसी को नहीं छोड़ना तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भैंस की डांग, मार। ओके तो किसी को छोड़ना नहीं है अभी, रुक जाओ, एक एक बंदे को मारो फटाफट, मारो सबको मारो। ओके तो भाई यहाँ पर ट्रेवर फ्रैंकलिन अपना अलग ही मार रहे हैं भाई, बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर भाई बाहर काफी तक। अच्छा जी इतने सारे बंदे तुमने अंदर भर रखे हैं, और मुझसे पंगे लोगे तुम, मारो बेटा तेरी ऐसे की तैसे, निकले यहाँ से चल। ओ भाई पीछे चलो, सब आ रहे हैं, मेरे को ही मारने आ रहे सब, मारो तुम्हारी भैंस कड़ा, मेरे को मारेगा तू। ओए मेरे को भागना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। अब आओ तेरी ऐसी की तैसी, आ ना, तू आ बेटा, चोना होगा तू, मेरे चोना होगा, मारो। ओके तो फिलहाल यहाँ पर भैया सब लोग को तो हमने बाहर वालों को मार दिया है, रुक जाओ पीछे से भी लग रहा कोई बंदा तो आया है। अबे ओए निकल, चल निकल पहली फुर्सत में। ओके तो एक गंजा पीछे बैठेगा, रुक जाओ बेटा वहीं आके मारूंगा, उठ
तेरी खो चल तेरी ऐसी की तैसी। तो यहाँ पर तो लगभग सब बंदों को हमने मार दिया है। ओके तो यार यहाँ पर अभी हमने ना लगभग सभी लोग को मार दिया। तेरी भैंस के रंग निकल, चल तू भी निकल। ओ साइंटिस्ट जी, डॉक्टर वॉक्टर भी बैठा रखे हैं इन लोगों ने अंदर। तो यहाँ पर लगभग सब बंदों को, ओए अभी और बच्चे हैं। अबे कितने हो बे तुम, कितने आतंकवादी यहाँ पर। फ्रैंकलिन भाई को मारोगे पीछे से, मारोगे फ्रैंकलिन भाई को, मारो मारो से मारो। जिंदा अभी, बढ़िया भाई साहब। ट्रेवर बहुत अच्छी पिस्टल चलाता है भाई सच्ची में, इसको बियर पिला दो भाई, सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। अभी यहाँ पर सबको तो हमने लगभग मार दिया। और यहाँ पर देखो जिम भी बना रखा, तो यहाँ पर कुछ फाइल वाली पड़ी है। और यार किसी बंदे की ना चिल्लाने की आवाज आ रही है, और वो इस बोरी को उस पार ही लग रहा है मेरे को। अब पता नहीं यार यहाँ पर एंट्रेंस तो मेरे को दिखी नहीं, राइट से भी फिलहाल मैं चलकर देखता हूँ कहाँ पर कुछ होगा। तो भाई अभी यहाँ पर हमने इन लोग को तो मार दिया, और ये जो बंदा है ना मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार है कहाँ पर। मतलब अभी साउंड तो आ रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर शायद से ना अंदर कुछ है। ओ भाई अंदर यहाँ पर ये लोग बैठ के कर क्या रहे, तेरी भैंस की टांग साले, यहाँ किस लिए खड़े हो रखे तुम। अच्छा जी, ओ भाई ये अंकल जी इन्हीं को किडनैप करो। ओए रुक साले रुको, कोई ओए तेरी ऐसी की तैसी, हट साले तेरी भैंस की टांग। साइंटिस्ट जी हमसे चोने हो गए तुम, मारो 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 सबको मारो। कि जितने भी साइंटिस्ट है ना ये आके अलग ही बदमाश बन रहे, रुक जाओ। ओके निकलो निकलो निकलो, मार साले को, तुम्हारी ऐसी की तैसी नकली साइंटिस्टों। मारो 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 सबको मारो, जितने बंदे अभी और भी पड़े हैं भाई साहब, इतने सारे बंदे अभी बचे हुए हैं, बाहर से और बंदे आ रहे हैं भाई साहब। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे लग रहा था बंदे मैंने सारे मार दिए। ओके तो ये अलग ही साइंटिस्ट जी खड़े हुए हैं, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो भाई साहब सच्ची में यार ये लोग आतंकवादी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, बट यहाँ पर हमने सबको मार दिया और जो अंकल जी को भी यहाँ पर बचा लिया। तो जल्दी यार फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अगर पुलिस वुलिस वाले को किसी ने खबर पहुँचा दी ना कि भैया यहाँ पर फाइट हो रही है, बहुत तगड़ी फाइट हुई है, मतलब कि गाँव वाले बंदे ने ऐसा कर देते, तो फटाफट हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब जल्दी से लेकर चलते हैं इनको, वहीं पर छोड़ेंगे इनकी फैमिली के पास। अब जल्दी से आओ भैया, बैठो हमारी गाड़ी में। और यहाँ पर ना अभी भी कुछ कुछ बंदे बचे हुए, निकल तेरी भैंस के टांग, कोई हरकत नहीं, जल्दी आओ। ओके तो ये लोग भी अपना आ चुके हैं, ये बंदा नहीं सुधरेगा, तू निकल ले बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल यार तीन, ओ भाई मारो मारो मारो, तुम लोग भी मारो, बढ़िया। तो चलो यार अभी फटाफट यहाँ से मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर मतलब कि यार सच्ची में बहुत ही बुरा हाल हो गया है। अब मुझे डर ये लग रहा है कि यार ये जो आतंकवादी है ना भैया, इनसे लड़ाई आगे ना बढ़े, क्योंकि यार वरना बहुत ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा, बहुत सारे बंदों से एक ही बार में लड़ाई हो जाएगी। तो ये जो गाड़ी है फिलहाल मेरे को वो वाली गाड़ी ना ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ना कोई पंगा नहीं लेना चाहता कोई भी चोरी वोरी का, अपने पास काफ़ी अच्छी कार है, तो इस कार को लेकर निकलते हैं। अबे फ्रैंकलिन भाई जल्दी कर ले, कोई भी देर की बात नहीं। और ये देखो इतनी जल्दी इसने मास्क उतार लिया, लड़ाई खत्म होती, बंदा अपनी लुक दिखाना चाहता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं अभी फटाफट। और ये जो एयरलाइन है ना भाई, ये वैसे काफी ज्यादा काम आ सकती है, जब हम किसी का एयरप्लेन चुरा कर लाएंगे ना तो यहाँ पर हम लैंड करवा सकते हैं, वैसे काम की चीजें काफी। अभी फिलहाल फालतू की बातों पर कम ध्यान देते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट से। ओके तो ये जो रास्ता है ना भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं, बट यहाँ पर आप ऊपर पहाड़ देख पा रहे हो, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अच्छी बात पता है क्या, पुलिस वालों को किसी ने खबर ही नहीं करी, क्योंकि यार आसपास ना यहाँ पर बंदे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे खेती खेते हैं, और रात में तो खेती पे करने कोई आता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी आराम से बच गए। फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, और सामने से बाइक आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले चलते हैं इसको इसकी फैमिली के पास छोड़ने। तो कि गाइस अभी हम वापस से ट्रैवर के गांव में पहुंच चुके हैं, फटाफट से यहाँ से हमें आगे से लेफ्ट लेना है, और इसका जो घर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें घर तो पता नहीं था, लेकिन अब अंकल जी को हमने सेव कर लिया, और अंकल जी हमें अपना रास्ता बता रहे हैं। तो भाई मैं तो इनको कह रहा हूँ जहाँ पर तुम पहले रहते हो ना इसको छोड़ दो, मतलब कि ये जो गाँव है ना यार यहाँ पर पुलिस वगैरह की ना इतनी सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कितने सारे कांड होते रहते हैं, कोई भी गुंडा आके किसी को भी मार देता है। तो यार इनको ना किसी ढंग की जगह घर ले लेना चाहिए, लेकिन यार इनके पास अभी पैसे नहीं है, तो मैंने इनको अपना फ़ोन नंबर दे दिया, मैंने साफ बोल दिया भैया कभी भी कोई भी दिक्कत है सीधा मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा हेल्प करने, क्योंकि यार अपन तो फ्री है थोड़ा बहुत, लेकिन पुलिस वालों से तो अपने को भी थोड़ा बहुत खतरा है। बाकी जो इनका घर है, ओके 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 घर आ गया, ओके अंकल जी को अब हम यहीं पर उतार देते हैं, अंकल जी अपना अंदर चले जाएंगे। तो लो भाई जाओ अपना, अब यहाँ पर इसकी जो फैमिली है सामने ही बैठी हुई है, तो अभी मैं मिलने नहीं जा रहा क्योंकि अपने को भी घर निकलना है, काफ़ी देर रात हो गई है, खाना वाना खाना है। और भाई साहब मतलब सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही मुश्किल काम करा भाई आज, बहुत ही दिल खुश हो गया, मतलब कि अंकल जी की जान बचा के, यानी कि मतलब कि पूरी पूरी फैमिली की जान बचा के यार आज बहुत दिल खुश हो रहा है। तो बाय अंकल जी अपना ध्यान रखना। तो चलो गाइस यहाँ पर अपना अंकल जी जो है चले गए अपने घर की तरफ, और हालत देखो भाई सब कैसे हो चुके हैं, मतलब कि चलने की हालत नहीं बची, और यहाँ पर इनकी फैमिली भी है सामने खड़ी हो। तो चलो यार अभी हम अपने घर चलते हैं, यहाँ पर ये लोग को अपना एंजॉय करने देते हैं। चलो यार काफ़ी दिल को अच्छा लग रहा है, मतलब कि यार एक पूरी की पूरी फैमिली की जान बचा ली, हेल्प कर दी, और भाई ये दोनों लोग ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, मतलब कि असली हेल्प करी है भाई ट्रैवर ने, मतलब कि जितने भी बदमाश जितने भी गुंडे आए ना भाई बहुत ही बुरी तरह मारा है एक पिस्टल से, बाद में उन्हीं से उनकी गन छीन के उनके बम बम भाई सब मार दिया, कुत्ता बना दिया। अब फटाफट चलते हैं अपने घर पर फटाफट से, वरना देर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है।
तो भाई अब मुझे पता है डर किस बात का लग रहा है भाई। पुलिस वालों ने भी मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि यार यहाँ पर से आज जो तबाही करी है ना, मतलब कि इसके बाद जितने भी कांड हुए हैं सारे के सारे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। और जब हम जेल में थे तब भी हमारी फुटेज जो है सीसीटीवी में गई थी। अब इन बंदों को मारा, जो आतंकवादियों को मारा है भाई, ये लोग भी मेरे को लग रहा है भाई अब बदला लेने तो जरूर आएंगे। मतलब कि इतने बड़े आतंकवादी को भाई साहब हम तीनों लोग यूं ही जाके मारा है। मतलब यार सच्ची बता रहा हूँ, ट्रैवर भाई बहुत ज़्यादा बहादुर है, बट यार यहाँ पर हमने आज जो भी करा ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक टाइप से ना एक बहुत ही बेकार काम भी हो गया, लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम भी हो गया, क्योंकि एक हमने फैमिली की जान बचा ली, उस बंदे का दिल खुश कर दिया। मतलब यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल यहाँ पर। तो अभी हम लोग अपने सीक्रेट वाले घर पर पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को अगर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 1 लाख लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर दोगे। तो सभी लोग यार जाकर लाइक का बटन जरूर दबाना, और हाँ यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप सजेशन दे सकते हो कि मुझे नेक्स्ट पार्ट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब कुछ आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। तो ओके गाइस, अभी तो फिलहाल हम लोग अपने घर पर काफी ज्यादा सेफली पहुंच चुके हैं। मतलब यार मजा आ गया। अब यहाँ पर जो गाड़ी है ना, मतलब यार मेरे को गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो चलो यार अभी अपनी गाड़ी को हम यहीं पर पार्क कर देते हैं। फिलहाल आगे से थोड़ी सी ठुक गई थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।